नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोश में आपका स्वागत करता हूँ। नवरात्रि का शुभ अवसर है, शुभ मुहूर्त है, माँ लक्ष्मी प्राप्ति का शुभ अवसर है। लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, इसलिए लक्ष्मी जी का एक नाम चंचला भी है, क्योंकि लक्ष्मी किसी के पास स्थिर नहीं हो सकती। यदि आपको स्थिर लक्ष्मी चाहिए तो आपको भगवान विष्णु के जैसा स्वरूप अपनाना पड़ेगा। भगवान विष्णु के पास ही लक्ष्मी स्थिर रूप से रही थी। लक्ष्मी आती जरूर है, लेकिन तुरंत ही निकलने का रास्ता ढूंढती हैं, एवं आज के परिवेश में बिना लक्ष्मी के जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। तो आज बात करते हैं कैसे माँ लक्ष्मी आपको अपना कृपा आशीर्वाद देगी। लक्ष्मी के 8 स्वरूप होते हैं, आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। सर्वप्रथम नवरात्रि के प्रथम दिवस के दिन कलश स्थापित करें, चौकी पर माँ दुर्गा, गौरी, गणेश और माँ लक्ष्मी को बैठी हुई तस्वीर में रखें। माँ लक्ष्मी को लाल रेशमी वस्त्र के ऊपर विराजित करें। श्री यंत्र या लक्ष्मी यंत्र भी विराजित करें। गौरी गणेश की पूजा करें, कलश स्थापना करें। दुर्गा पूजा, कलश स्थापना पूजा करने के पश्चात षोडश मात्र का पूजन, नवग्रह पूजन करें। जो भी शुरुआत में आप बोलें, लक्ष्मी की पूजा का आप शुरुआत करें। सबसे पहला है लक्ष्मी सूक्तों का पाठ, हो सके तो ज़रूर करें, अन्यथा इस मंत्र का पाठ करें और घर में इन मंत्रों का ऑडियो चलाएं। मंत्र है ओम श्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा मम गृहे आगच्छा आगच्छा ओम महालक्ष्मी नमः। दूसरा बिंदु है, जब यह मंत्र करें तो एक कमल गट्टे को माँ को अर्पण करें, अर्थात कम से कम 108 बार कमल गट्टा माता को अर्पित करें। लक्ष्मी की पूजा में हो सके तो कमल के फूल का इस्तेमाल करें। जप में कमल गट्टे की माला का ही प्रयोग करें। पूजा करते समय लाल रेशमी आसन का प्रयोग करें। घर में मोर पंख रखें। अपना नाम, गोत्र, मनोकामना लिखकर श्री यंत्र के नीचे रखें। विजय दशमी के दिन कमलगट्टे, बेलगिरी और अनारदाना से हवन करें। श्री सूक्तों द्वारा जो मंत्र ऊपर दिया गया उसे आप हवन करें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी, माँ लक्ष्मी का कृपा आशीर्वाद होगा। मित्रों, आज हमने आपको लक्ष्मी के उपायों के संदर्भ में जानकारी दी। यह जानकारी आपको कैसे लगी, उसके लिए हमारा आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके जय माता दी लिखें और हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पूजा पाठ यज्ञ संबंधी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। पुनः बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।